आज का ये जो सालाना प्रोग्राम जेर एहतमाम बाबा सैयद शहनशाह नकवी बादशाह और उनके बरादरान की तरफ से हर साल मुनक़िद होता है, जितने भी आज़ादार इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं यकीनन बाबा जी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल कर इस सालाना प्रोग्राम में शिरकत करते हैं और खसूसन बाबा सैयद गुल हसन शाह बुखारी की इस जगह को रौनक बख्शते हैं। यकीनन इसका अजर इमाम ज़माना देगा आपको। एक कथा आपकी नजर में कर रहा हूं, क्योंकि वलायत अली मौला फरमाते के वलायत अली मेरा वो किला है जो इसमें दाखिल हो गया वो मेरे हजाब से बच गया। अगर हजाब से बचना है तो अली का दामन पकड़ लो, अगर हजाब से बचना है तो अली का दामन पकड़ लो, और यकीनन यही रास्ता हक का रास्ता है। मैं आपको मुनकरे अली की निशानदेही कर रहा हूं उस कते में, और यह आपने गौर से सुनना है। ख्याल रखना अली के मुनकर कई लिबादों में ढल रहे हैं। ये मैं लिबास की बात कर रहा हूं, अली के मुनकर छुपे हुए हैं। ख्याल रखना अली के मुनकर कई लिबादों में ढल रहे हैं। ऐ पुख्ज़े हैदर की आग ऐसी जहां मुनाफिक जल रहे हैं। जब हक आ जाता है
फातिल मिट जाता है तुम के अली आने से। तू कहता है नमाज बातिल है, अली तो बातिल को खत्म करता है। नमाजों में अली आए तो कहते हो के बातिल है, अली काबे में आया है, बता काबे का क्या होगा। Oh, God.
मदीना।